समरूप त्रिभुज के प्रमेय को आगे बढ़ाते हुए प्रमेय नंबर 3 जो कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है उसको सिद्ध करते हैं। प्रमेय का कथन कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों अनुपात के बराबर होगा। कथन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफल हैं उन क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ये कथन। अब इस कथन के आधार पर हमको त्रिभुज की रचना करनी है और उसको ये बताना है, उसमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात है कि वर्गों के अनुपात से आगे जो है बनाते हैं। पहले त्रिभुज को बनाते हैं, आपके समरूप में। अब हमको क्या सिद्ध करना है एबीसी का क्षेत्रफल बटा तीसरी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। उसके लिए रचना करनी पड़ेगी, तो बगैर रचना के प्रमेय को हल करना संभव नहीं है। क्या करें, रचना में उसके लंबा बीसी पर एक लंबा डाल दें एडी। एडी लंब बीसी पीएम और लंब दीवार
उसके बाद पत्ती करेंगे, पत्ती में कैसे सिद्ध करें वो बताते हैं। Yeah.
के दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण का अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो ही कोण दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कोण कोण समरूपता लगा है, कोण से समरूपता से Thank you.
बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू आर का होल स्क्वायर। मान लें समीकरण नंबर पाँच वाली 6.4 पहला सवाल है, पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि BC समरूप है BC। तो बताते हैं वर्गों के अनुपात के
21 का वर्गमूल 11, बीसी का मान हमको ध्यान करना है, एलईएफ का मान 15.4 है, बीसी का मान ध्यान करना है और एलईएफ का मान 15.4। लास्ट में ट्राई करते हैं, क्रिया गुणा करते हैं तो मान को हमको ज्ञात करना था, बीसी के मान को हमको ज्ञात करना। सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं, कह रहा है एक समलंब एबीसीडी में एबी समांतर डीसी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एबी बराबर 2CD तो त्रिभुज एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करें, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को समलंब दिखाते हैं, एओबी और सीओडी दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। फिर इसको हम करते हैं,
क्या बराबर हुई, ये कोण इस कोण के बराबर, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, दोनों एकांतर कोण है, कि दोनों रेखाएं समांतर है, कि दोनों भुजाएं समांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी एकांतर। तरीके से ये कोण इस कोण के बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है AOB, बराबर कोण C हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ये see you.